दोस्तों अम्मा का अकाउंट खुलवाने गए थे, आपने देखी होगी लास्ट वीडियो, अकाउंट किसी कारण से नहीं खुल पा रहा है। थोड़ा वेट किया हमने, 7 दिन का 8 दिन का 9 दिन का, कितने दिन हो गए वेट करने? 10 दिन के करीब हो गए हैं। जब एंड में पता लगा कि अब पॉसिबल नहीं है तो सारा पैसा अब हमने यही सोचा कि अम्मा को दे देते। पहले विचार हमारा ये था कि अगर सेफ तरीके से बैंक में डल जाता तो कोई दिक्कत नहीं आती ना अम्मा ना बाबा को, लेकिन अब वो पैसा नहीं डल पा रहा है। कारण ये फिंगरप्रिंट का कारण है, इस चक्कर में दिक्कत आ रही थी। पर अम्मा और बाबा के पास अब पैसा सारा का सारा हैंड ओवर कर दिया है। अम्मा सारा पैसा मिल गया? सगरा मिल गया बेटा, तुम्हारे बेटा बने रहे, बस हमारी मदद बहुत करी तुम बोलो बने, हम बहुत बढ़िया हैं। तन पड़ जाते तो हमारे बढ़िया तो कोई जाता तो बेटा नहीं, रोना नहीं अम्मा, परेशान तो हम आता ही हैं गैर बेटा, जब तुम्हारी यहाँ टोकरन पे आ गए तो अब ये इतने हुए जो पर वो तुम बार को बेटा बने रहे तो सही सही है, नहीं धक्का तो है ही है जो खाता खुलवा देते। अम्मा तो खाता बेटा, खाता के लिए क्या नहीं करा ये खुद बताओ आप। ये तुम बार हमारे बुढ़िया को तीन बार तो मेरे ख्याल से मनीष गया है, एक बार मैं गया हूँ खाते के लिए। तीन बार गया मनीष तू? तीन बार ये गया है, एक बार मैं गया हूँ आपके साथ। हम यही दुआ करेंगे कभी भी जरूरत पड़े मनीष की या मेरी। बेटा जरूरत तो हमें सगरी है ही तुम्हारी, अब बताओ जरूरत तो। कभी परेशानी हो मेरा बोर्ड लगा हुआ है, नंबर आपके पास है ही, फ़ोन कर देना। दूसरी बात, पूरी कोशिश करी थी बैंक खाता खुलवाने की, अम्मा नहीं खुल पाया किसी कारण से, क्योंकि बाबा के फिंगरप्रिंट नहीं मैच हो रहे। कभी लाइफ में परेशानी हो ना, सब परमात्मा पे ध्यान रखना है, बस दुआई कर रहे। अभी आयुष आपको क्या बोल के गया है कि 17,500 रुपये हो रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला आपका दिल साफ है और बाबा का दिल साफ है, हैं बाबा सही कह रहा हूँ? अगर दिल में इतना आपने सोचा हुआ ना दूसरों के लिए, तभी भगवान आपके लिए कर रहा है। और आप रोने की जरूरत नहीं है, बच्चा आपका कहीं गया है तो आएगा, देखो बेटा, क्योंकि आपका दिल साफ है अम्मा। मैं भी देखा करता था अम्मा, जब जब मैं आया करता था ना, वो बेचारे वहीं बैठे रहते थे, चाय पीते रहते थे। अगर ये वीडियो आगे तक जाएगी ना अम्मा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद एक अच्छा एक इंसान आएगा, बोलेगा अम्मा देखो ये बेटा आपका, ये रहा हम लेकर आए हैं। मैंने फोटो दिखा दिया कैमरे के अंदर अम्मा, कई लाखों लोग देख लेंगे, अपने आप आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। और मन में मैं सोचो कुछ गलत हो गया होगा, भगवान बैठा अच्छा करने के लिए, आपके लिए इतना कर सकता है ना 2-3 महीने के अंदर, तो ये भी यहाँ बुरा नहीं होने देगा। देखो। कुछ अम्मा कहना अपने बच्चे के लिए आपने कैमरे में? बेटा मैं हाथ जोड़ करके विनती करूँ बस्ती से, ये लोग बेटा कहीं पागल मेरो कहीं भूखो प्यासो मिल जाए तो बेटा दो रोटी खवा के मेरे ढोरे लाओ, बेटा हाथ जोड़ के उनके बेटा बने ने। अम्मा ये कहना चाहती है इनका बच्चा आपको कहीं मिलता है तो उसको खाना खिला देना, अम्मा के पास लिया ना। आज 4 दिन है गए बेटा, वो कुछ दे दिए तो खा लिए, मांगे ना याद दास ना। उनको नहीं पता किससे क्या बात करनी है क्योंकि दिमागी संतुलन ठीक नहीं है ना। और वो रोटी भी नहीं मांगेंगे, भूखा भूखे हैं तो भूखे रह लेंगे, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करते। मैंने भी 3-4 बार नोटिस किया है, वो चुप बैठे रहते हैं। और अम्मा भी थोड़ा जो इस टाइम दुक्कर हो रही है वो इसलिए कि चल मेरा बेटा माइंड से ठीक नहीं था, लेकिन उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। जो भी कहीं मिल जाए, दो रोटी खवा दई, कहीं भूखो प्यासो मिल जाए तो बेटा मेरी हाथ जोड़ के, आपसे हाथ जोड़ के फिर से विनती है। अम्मा और बाबा का बच्चा कहीं दिखता है तो अम्मा बहुत रो रही है, बाबा बहुत रो रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना जिससे बाबा और अम्मा की मदद हो सके। तो अम्मा डेली आप ही के पास खाना वाना खाने आता था बेटा? दे दे ही तो यहीं बैठो रही हो, रो मत अम्मा रो, अब जितना रोगे ना अब उतना अंदर से परेशान हो गया, रो मत, भगवान ने इतना अच्छा करा सब अच्छा करेगा। अच्छा बहुत करो बेटा, तुम लोगन की बातें मैंने कचुना बेटा, सारो तुम्हारो है, देने वालो भगवान है बेटा, मेरी आत्मा साफ है। मेरी तरफ से अम्मा कोई शिकायत आपको? कोई शिकायत ना बेटा, तुम्हारे बेटा बने रहे बेटा। बीच में अम्मा इसलिए नहीं आ पाया, परिवार भी देखना पड़ता है, काम वाम सब कुछ देखना पड़ता है।
अब बेटा कराओगे ना तो फिर कैसे बालक करेंगे बताओ, करेंगे ना कैसे बालक बेटा, मैं भी जानू। जितना भी अमाउंट था ना हम चाह रहे थे बैंक में डल जाए, लेकिन वो बैंक में डाल नहीं पाए हम किसी कारण से, बैंक का खाता नहीं खुल पा रहा है। ना खुलो बेटा, सारा पैसा अम्मा को दे दिया हमने आज। दे दो बेटा, बच्चा मिल जाएगा, चिंता ना करो आप, दो तीन दिन में घुटनी आ जाएगी आपके पास, और पक्का कोई अच्छा इंसान आएगा कहेगा लो बाबा मैंने पक्का बच्चा आपका बेटा यहाँ देखा था, मैं लेकर आया हूँ, ऊपर वाले भरोसा रखो बस। सोता मम्मा आपके पास ही था, आप ही लेके जाते थे यहाँ से शाम के टाइम। बेटा कभी पैसा ले जाए जैसे दुकान के पता करो, कभी आप टाइम 2 रुपया ना ले रहे हो। अच्छा ना, और बेटा आप गवा में 900 रुपये रही हूँ, वह उतना मैं बताऊँ 500 रुपया धरिए समार को आई कर आ गए। अम्मा ये दिमाग से मतलब क्यों, बचपन से या फिर कैसे बाद में हुए? अम्मा लॉकडाउन लगो कहा बेटा जब से। अच्छा लॉकडाउन तो दिमाग का फर्क पड़ गया, मतलब काम धंधा छूट गया इस चक्कर में। काम पहले पहले ठीक थे बेटा, बेलदारी करे हो और ये 8-9 महीने पहले थोड़ा परेशान हो गए, थोड़ा ऐसा हो गया। हाँ, बेलदारी करे हो बेटा, तुम बाहर का काम कर लिए हो। बेलदारी करा करते थे और जैसे ही लॉकडाउन लगा परेशानी देखनी पड़ी और दिमाग पे जोर लगाया और अब लॉकडाउन के ही भाव बेटा खूब करे करे हो, मट्टी पे कर आवे हो, मट्टी काट आवे हो, और तुम्हारे बेटा के बेलदारी कर जाओ, दो दो मंजिल पे चढ़ जाओ, ईटर न लेके सीमेंट लेके। उन्होंने ना मैं ज्यादा सोच लिया, ज्यादा दिमाग पे जोर डाल लिया अपने, पैसे वैसे नहीं होंगे, काम धंधा छूट गया होगा बैठे बैठे बेटा, वो आई में आग लग गई वहां के दिमाग में ही, आई में लग गई कहते मैं तो बेटा गे लंगड़ो इतने में मैं बड़ी बूढ़ी वही कर या करे हो, और बेटा या के बहु बालक कोई हतनाओ, अब बेटा बला इतना में भूखे प्यासे भी है गए, अब काम धंधा ना तो बेटा का करेंगे बताओ, का खाएंगे। उन्होंने सारा सारा जोर अपने दिमाग पर डाल लिया अपने, अब वाई को तो रो रही हूँ बेटा, और तो दो बेटा तो मर ही गए, उनके तो बहु बालक तो हुए या के तो कुछ भी ना बेटा, ये मेरे ही ढोर चुभे हो कभी 5 पैसा ना लेगो, अब भी हम नौ रो रहे हैं, 100-200 रुपया होते तो कुछ खा ले तो लगता ना कुछ, हत्तों को पुरानी 4 दिन से ये भाई साहब लापता है, उम्र कितनी है अम्मा? 40 साल। और नाम क्या है? भरत सिंह। भरत सिंह, दोस्तों आपको कहीं पे ये शख्स दिखे तो प्लीज आप संपर्क करना, 13 पॉकेट 1 के पास बस स्टैंड है, अम्मा बाबा यहीं बैठे मिलेंगे आपको, जिस शख्स को भी ये पास आके दिखा बेटा, ये भाई साहब दिखे ये दिमागी संतुलन ठीक नहीं है इनका बेटा, कहीं भी मिले मेरे बच्चा दे दे तो खा लियो, नहीं भूखो बैठो रही हो बेटा, आपको कोई रोटी जी वहाँ पे 1 रुपया ना, कहीं भी आपको दिखते हैं द्वारका में, उत्तम नगर में, नजरगढ़ में, जनकपुरी में, तो आप बाबा अम्मा का मैंने आपको एड्रेस दे दिया है, सेक्टर 13 पॉकेट 1 बस स्टैंड के पास बाबा अम्मा आपको मिल जाएंगे, आप अगर आपको दिखते हैं तो संपर्क करना बाबा अम्मा से, ठीक है अम्मा? मैंने बोल दिया है, जिनकी जो भी देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। भैया आप सबसे विनती है कि इनका जो बेटा है 40 साल की उम्र है, उनकी मेंटली कंडीशन थोड़ी अनस्टेबल है, वो अपने दिमाग से इतना नहीं सोच पाते हैं, वो पिछले 3-4 दिनों से मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था वो चले गए थे लेकिन वो आ गए थे, वो लंबा ड्यूरेशन था लेकिन अभी 3-4 दिन हुए हैं, तो वी विल होप फॉर द बेस्ट कि वो आ जाएं, लेकिन हमने फोटो सन्नी भाई ने आपको दिखा दिया ऑलरेडी पहले वीडियो में, अगर वो आपको कहीं भी दिखते हैं प्लीज़ सेक्टर 13 पॉकेट 1 पर आकर अम्मा या बाबा को बता जाइए, अगर अम्मा बाबा नहीं मिलते हैं तो नेताजी सुभाष अपार्टमेंट से या पीछे आप गार्ड को भी बता देंगे तो हमारी बहुत सहायता हो जाएगी। बोलो बाबा बोलो 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 बोलो, आप बाबा का दर्द समझ सकते हैं बेटा, जिसका चला जाता है या गुम हो जाता है तो बहुत दर्द पहुंचता है, बाबा नहीं संभाल पा रहे अपने आप को, अम्मा भी नहीं संभाल पा रही अपने आप को, तो ठीक है दोस्तों मदद करना बाबा अम्मा की, पूरी कोशिश करना जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक पे, सब जगह शेयर करना जिससे कि बाबा और अम्मा का बच्चा इनको मिल पाए, बहुत बहुत धन्यवाद।